दोस्तों आज मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूँ। वीडियो में अंदर आपका जैसे एवेंजर सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपने सब चीज़ें मतलब बैटरी डालने के बाद कैसे है? मोटर कभी स्लो घूमता है, जो स्पीड घूमना चाहिए वो स्पीड नहीं घूमता है। आपने कार्बन भी डाल दिया है, कार्बन डालने के बाद भी गाड़ी का सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा चीज़ से होता है। जैसे है आपका मोटर, मैंने आपको ये वीडियो के अंदर दो गाड़ी बताऊंगा मैंने क्या किया। एक गाड़ी का कार्बन डाला, कार्बन डालने के बाद तभी भी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, किक से स्टार्ट हो जा रही थी और सिर्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रहा था। कभी भी ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके पास आया हुआ, जैसे स्टार्टर ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट स्टार्टर है, तो उसको रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रिपेयरिंग किए, रिपेयरिंग करने के बाद अगर डालेंगे जैसे उसमें लगाओगे स्टार्टर, लगाने के बाद क्या होता है, कभी सेल्फ स्टार्ट होता है कभी नहीं होता है। तो ज़्यादा करके सेल्फ स्टार्ट जो होता है प्रॉब्लम सेल्फ का होता है, जो मोटर लगा हुआ रहता है। अभी मैंने क्या किया हूँ, ये गाड़ी में ओरिजिनल जो कंपनी का ओरिजिनल होता है, एक ओरिजिनल डाला हूँ, दूसरी गाड़ी में बिरोक कंपनी का डाला हूँ। तो जो बिरोक कंपनी का कभी अगर ख़राब हो चुका हुआ था, मतलब ख़राब हो गया, आपने कार्बन डाल दिए, कार्बन डालने के बाद कभी कभी क्या होता है, स्टार्टर जो है नहीं चलता है जो उसके जैसे चलना चाहिए। और जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल में आप कार्बन डालोगे बराबर परफेक्ट गाड़ी चलती है, मतलब ओरिजिनल स्टार्टर रहना चाहिए जिसको बोलते हैं मोटर। तो अबे ऐसे मैंने क्या किया है, एवेंजर में 220 में भी प्रॉब्लम था सेम, और 150 में प्रॉब्लम सेम था, तो मैंने दोनों में जो स्टार्टर चेंज कर दिया हूँ, ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी क्या होता है, जब सेल मारोगे मोटर चलता है, कि मोटर से नहीं, मोटर नहीं चलता है, मोटर चलता है मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं स्टार्ट होता, जो स्पीड मोटर में जो रनिंग चाहिए रनिंग नहीं होता है, तो इसलिए गाड़ी से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे अभी 100% जो ना होना चाहिए, मोटर घूमना चाहिए, 100% नहीं घूमता है, जैसे 80% 70% से मतलब घूमता है, तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। जो पावर होता है, जो करंट, वो करंट कभी छोड़ता है कभी पकड़ता है, तो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, तो बराबर परफेक्ट जो मैंने बताया तरीका अगर आप यूज़ किए तो 100% आपके पास अगर गाड़ी रहेगा तो 100% सॉल्व हो जाएगा हमारे वीडियो के थ्रू से। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, आप देखिए। अभी मेरे पास एक एवेंजर और आई हुई है, और एक एवेंजर का मैंने वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दूँगा, और इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है आपको दिखा दे रहा हूँ। ये गाड़ी किक वाली है, एवेंजर 150 है। अभी ये गाड़ी कैसे है, गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, किक एक किक से गाड़ी स्टार्ट हो जा रहा है। अभी आपको सेल मार्क दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखो, ये ऐसे सेल्फ लेता है। अगर आप नया बैटरी भी डाल दिया तभी भी इससे मालूम पड़ता है बैटरी डाउन हो चुकी है, तो ऐसे प्रॉब्लम जो होता है। अभी बैटरी आप नया भी डाल दिया तभी भी सेम ऐसे सेल्फ का आवाज़ आता है। अभी ये जो स्टार्टर, इसको स्टार्टर मोटर बोलते हैं, हम लोग स्टार्टर ही बोलते, कोई मोटर ही बोलता, सबका बोलने का अलग अलग तरीका है। ये अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ इसका, क्योंकि चेंज करने जा रहा हूँ कि अभी मैंने ओरिजिनल इसमें जो कार्बन मैंने यूज़ किया था, नया डाला था, तभी भी बराबर परफेक्ट स्टार्टर नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए। तो अभी इसको क्या कर रहा हूँ, मैं नया डाल दे रहा हूँ, नया देखिए लेके आया हूँ मैं, ये भी कस्टमर ने लेके आया हुआ, ये ओरिजिनल कंपनी का है। तो ये जो ओरिजिनल कंपनी का रहता है, देखो इसका जो कलर होता है अलग है, और इसका जो बॉक्स होता है, जो डिब्बा आया था, देखिए ये देखिए ओरिजिनल पैकेट में था ये, इसका प्राइस भी आप देख लीजिए। तो इसका अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ये चेंज करने के लिए आपको सोचेंगे तो ऐसे ऊपर से जो ऐसे ऊपर से नहीं होता है, ये जितना बोल्ट है देखिए पूरा है सब चीज़, इसको क्लच कवर को ओपन करोगे तब आप इसको स्टार्टर जो मोटर होता है आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। ये सब चीज़ ओपन करके स्टार्टर लगा के फिर आपको बताऊंगा कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टार्ट लगाने के बाद ही आपको दिखाता हूँ। अभी सब चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके फिर फिटिंग करके फिर आपको बताऊँगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टर ये मोटर खोलने के लिए आपको पूरा ये जितना स्क्रू है, ये बोल्ट है जो इधर 8 नंबर का जो दिख रहा है, पूरा ये बोल्ट ओपन करना पड़ता है पूरा, यहाँ से लेकर अंदर तक, और ये जो होता है यहाँ का, ये भी ओपन करना पड़ता है। इसको ओपन करने के बाद फिर अंदर आप बोल्ट खोल सकते हो क्लच कवर का। ये देखिए पूरा मैंने ओपन कर चुका हूँ, ये जो कवर है देखिए, और कवर में कभी भी याद रखना, कभी आप नया नया कोई भी खोलने जा रहे हो तो ये क्या होता है, कभी खोलने के टाइम में गिर जाता है,
ये देखिए वाशर, इसमें एक वाशर टाइप रहता है, जो खांचा बना हुआ रहता है, एक डिस्टन लगा हुआ रहता है, एक स्पिनर रहता है, तीन आइटम रहता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको ये देखिए, ये जो खांचा है इधर रहना चाहिए, खांचे के पास इधर खांचा बना हुआ रहता है। कोई नया कोई बंदा खोला, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ खांचा रहता है, बराबर पुश करेंगे बराबर होता है। अभी जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में मोटर बोल दे, जिसको एक फ्रंट निकाल दे रहा हूँ मैं। ये देखिए मोटर निकल चुका हुआ है, अब इसको मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ जो नया का। ये अभी देखिए गाड़ी को स्टार्ट हो गया, वापस नहीं चल रहा है। अभी वापस एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी इसका जो था स्टार्टर प्रॉब्लम, वापस बंद कर दे रहा हूँ। ये समझ लो मैंने कवर लगाने से पहले मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका जो प्रॉब्लम था सेल्फ स्टार्ट का, 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। दोस्तों मेरे पास गाड़ी है, एवेंजर है 200। ये गाड़ी में इसे किक नहीं है, अगर आप इसको रनिंग करके इसे करोगे फटाक करके स्टार्ट हो जाता है। जब सेल मारते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व कर चुका हूँ। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने, जिसे मैकेनिक का सबका काम करने का तरीका अलग है, पहले आपको बता दे रहा हूँ मैंने ये गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ किया था। मैंने जैसे मैग्नेट जो कॉइल होता है, आपको भी दिखा रहा हूँ मैग्नेट कॉइल किसको बोला जाता है, उसके पहले सीडीआई बता देता हूँ मैं। ये देखिए अभी ये जो सीडीआई मेरे पास सेम गाड़ी एक और था, तो उसको मैंने गाड़ी का सीडीआई डाल के देख लिए, और उसका वायरिंग समझ लो नया डाल दिया आपने, सीडीआई समझ लो नया डाल दिए, वायरिंग भी नया डाल दिए, रिले भी नया डाल दिए, इंजन से अर्थिंग भी आपने बैटरी में दे दिए, तभी भी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैग्नेट कॉइल कहाँ आता है आपको भी बता दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर आता है मैग्नेट कॉइल, तो मैग्नेट कॉइल भी आप नया डाल दिया, तभी भी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा जैसे करंट आना चाहिए। अभी आपको करंट मत दिखा दे रहा हूँ मैं पहले। अभी आपको वायर दिखिए, दिखा रहा हूँ मैं, अभी इसको सेल मार रहा हूँ। ये देखिए ऐसे जो करंट है, करंट नहीं आ रहा था, तो आपने सब चीज़ चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद फिर भी करंट अगर नहीं आ रहा है, उसके अगर कभी भी आपके पास से गाड़ी आया, आप प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने सब चीज़ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है। अभी जो ये गाड़ी के अंदर जो होता है स्टार्टर, जिसको कोई बोलता है मोटर, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी मैंने ये चेंज कर दिया, नया डाल चुका हूँ, ब्रोक कंपनी का है, कस्टमर ने लेके आए हुए थे। अभी कितने पैसे में लेके आया उनको ही पता है अभी, क्योंकि नया प्राइस में बढ़ा हुआ है, तो बता नहीं सकता हूँ आप लोग को रेट अभी। तो इसका जो मोटर होता है चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद इसका जो करंट होता है, करंट बराबर परफेक्ट आने लगा, क्योंकि जो इसका मोटर था पहले लोड ले रहा था, लोड के वजह से गाड़ी का जो स्पीड होता है, जैसे अभी सेल्फ का आपको दिखा दे रहा हूँ क्या स्पीड में घूम रहा है, देखिए अभी पूरा फुल साउंड में घूम रहा है, पहले क्या रुक रुक के घूम रहा था, तो करंट भी जैसे आ रहा था जा रहा था, तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत दे रहा था कि स्टार्ट नहीं होती। सेल मारो कभी स्टार्ट होता कभी नहीं होता, करंट कभी भी देख लीजिए, करंट वापस दिखा रहा हूँ, करंट ऐसे आना चाहिए, देख लीजिए, देखिए करंट आपकी गाड़ी में ऐसे अगर आ रहा है तो समझ लेना चाहिए और कोई प्रॉब्लम है। अगर करंट ऐसे नहीं आ रहा है तो बहुत चीज़ से प्रॉब्लम होता है, समझ लो आपको मैग्नेट कॉइल है, सीडीआई है, वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, सबकी गाड़ी में अलग अलग प्रॉब्लम। अभी ये गाड़ी के अंदर जो होता है, हमने सब चीज़ चेक करने के बाद पता चला कि इसका जो मोटर हो उसका ख़राब था, तो मैंने अभी नया डाल दिया, जिसका 100% है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका हुआ है। आपने सब चीज़ करने के बाद अगर नहीं हुआ तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो आप मोटर अगर आपके पास है तो स्टार्टर, तो आप पहले चेंज करके स्टार्टर देख लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टर सस्ता पड़ जाता है आपको। अगर सब चीज़ डालने जाओगे, जैसे सीडीआई है, कॉइल है, वायरिंग है, तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो ये आप ये यूज़ करना, पहले ये यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ किए आप नहीं हो रहा तो आप दूसरा चीज़ दे सकते हो, वो आपकी मर्जी हो, कहाँ से शुरुआत करते हो आपके ऊपर है। मैं भी ऐसे प्रॉब्लम में गाड़ी, बहुत दिन से गाड़ी प्रॉब्लम में गाड़ी थी, समझ लो 15-20 दिन से हमारे पास ये गाड़ी पड़ी है। तो ये सब चीज़ सामान क्या है, जल्दी मिल नहीं रहा था, तो अभी जब मिला तो मैंने डाल दिया, तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास एक ही से पहुँच जाएगा। ये गाड़ी में बहुत परेशान था मैं भी,
और भी मैं कहीं लोग सबको बोलने का तरीका, सबका बताने का अलग अलग तरीका होता है, तो कोई अलग काम बताता है, कोई अलग बताता है, तो अपनी मर्जी से काम करना चाहिए, नहीं किसी से पूछ के करना चाहिए। आप बड़ा मैकेनिक कब कोई रहेगा, तो मैं भी ऐसे पूछ के काम किया था, सब बोलते ये गया वो गया, तो बाद में मैंने सब चीज़ चेंज किए, हमारे पास सेम गाड़ी था तो ईजी हो गया। अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले आप मोटर देख के मोटर ये चेंज करके देख लेना चाहिए।